वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से कराची तेज तरीन ट्रेन जिना एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला पंजाब, गवर्नर पंजाब समेत दीगर अहम शख्सियात भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर आमद, इंतजामिया की फुर्तियाँ, सड़कें लश पश करने के लिए दिन रात एक कर दिया। दो साल से टूटी रेलवे स्टेशन की मुलहिका सड़कों पर पैच वर्क मुकम्मल। बोहड़वाला चौक का मंजर ही बदल गया, खड्डे गायब। शिमला पहाड़ी के अतराफ की सड़कों की भी मरम्मत, बजरी और तारकोल से गढ़े भर दिए। नवाज शरीफ के इलाज का मामला, शरीफ मेडिकल सिटी में सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एमरजेंसी रिस्पांस टीम कायम। एमरजेंसी रिस्पांस टीम में 24 घंटे शिफ्ट में काम करेंगे जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान। शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स का जाती उमरा में चेकअप, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक किया। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को अद्वियात जारी रखने की हिदायत। कायद मुस्लिम बेग नून को सुबह 9 बजे शरीफ मेडिकल सिटी ले जाया जाएगा। कॉलेज असातिज़ा का धरना 5वें रोज भी जारी। कौम के मामारों के मसाइल सुनने कोई ना आया। पंजाब भर के कॉलेज में तालीमी निज़ाम शदीद मुतासर, ज़िलाई इंतजामिया भी मुजाहरीन को मनाने में नाकाम। चेरिंग क्रॉस की स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी, मुजाहरीन अंधेरे में डूब गए। पैफ पार्टनर स्कूलों का एक बार फिर एहतजाज का इंदिया। पैफ स्कूल्स के दाखिलों पर पाबंदी खत्म की जाए, वेलफेयर स्कूल्स को टैक्स फ्री करार दिया जाए। सदर पैफ पार्टनर स्कूल एसोसिएशन मियां शब्बीर, मुतालिबात पूरे ना हुए तो पंजाब भर के स्कूल्स बंद करने की भी धमकी। रिलीफ नहीं तकलीफ, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के लिए हो जाएं तैयार। बिजली और गैस के बाद पेट्रोल पंप भी गिराने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश, ओगरा ने समरी तैयार कर ली। नून लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। अब्बा की एक और बेटी पर तशद्दुद, ग्रीन टाउन में शौहर का बीवी पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। दो बच्चों की मां सोनिया बीबी भी शौहर के तशद्दुद का शिकार। बहन ने भागकर शौहर से जान बचाई, मुतासर लड़की के भाई का इल्जाम। पुलिस पर भी तावुन ना करने का इल्जाम। मशीन से मेरे बाल उतारे, मेरी उंगली तोड़ ली, मेरे कान का पर्दा फट गया, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं। असमा तशद्दुद के स्टोरी में नए नए इंकशाफात। जालिम शौहर फैसल डाकू भी निकला। बीवी पर तशद्दुद और सर मोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार फैसल के लाहौर के थानों में डकैती के 8 मुकदमा दर्ज। मुलजिम के खिलाफ थाना सत्तू कतला, जौहर टाउन, काला गुजर सिंह डिफेंस और काहना में मुकदमा दर्ज। शौहर डाकू बीवी डांसर, शौहर के तशद्दुद का शिकार खातून असमा की डांस की वीडियो वायरल। वीडियो में असमा अजीज को रक्स करते देखा जा सकता है। असमा अजीज हाई रूफ गाड़ी में साथियों के साथ महवे रक्स हैं। तीन रोज में खवातीन पर तशद्दुद के 3 वाकयात। मियां बीवी के झगड़े का एक और केस मंजरेआम पर। शादबाग में अनीला मुबशर पर खावंद और सास का मुबैना तशद्दुद। ससुराल के 4 साल से तशद्दुद कर रहे हैं, रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया जाता है। मुतासरा खातून का इल्जाम, वज़ीर-ए-आला से नोटिस लेने की अपील। हेर के इलाके में गैरत के नाम पर जवान साला लड़की कातिल। मकतूला को वालिद अशरफ ने छुरियों के वार करके कातिल किया। मुलजिम वारदात के बाद थाने में पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मंतकिल। कत्ल या खुले मेनहोल में गिरने से हलाकत, इकबाल टाउन के इलाके बदर ब्लॉक में गठ से 5 साल बच्चे की लाश बरामद। अजान 2 माह कबल लापता हुआ था। लवाहिकीन ने इकबाल टाउन थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी इकबाल टाउन का जाय वकूआ का दौरा, बच्चे की लाश मुद्दा खाने मुंतकिल। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजूहत सामने आएंगी, पुलिस हुक्म। शहर में मैस ट्रांसफर
सिस्टम मुतारिफ करवाने का ख्वाब चकनाचूर। ऑरेंज लाइन ट्रेन खुड्डे लाइन, पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन भी साइड लाइन। बुजदार सरकार ने 2 मेगा मनसूबों की फाइलें बंद कर दी। मास ट्रांसिट अथॉरिटी को मनसूबों में पेशरफ से रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का ठोकर नियाज बेग के करीब आर्जी पनाहगाह का दौरा। कमरे, किचन और बाथरूम्स भी देखे। वज़ीर आला पनाहगाह में कायम करने वालों में घुल मिल गए। लोगों से फर्दन फर्दन हाथ मिलाया। वज़ीर आला ने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर रात का खाना भी खाया। लोगों के मसाइल पूछे। वज़ीर आला कहते हैं, हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो मुस्तहिक अफराद पर है। लोगों पर कोई एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। सिंध हुकूमत का कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम पर तहफ़ुज़ात का इज़हार। आमदन और वसाइल से कम फंड्स दिए जाने का शिकवा। वसाइल की तकसीम में कराची की अहमियत को सामने रखने का मुतालिबा। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती अवार्ड से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध इजलास में ना आए। सिंध हुकूमत के बाद दीगर सूबे भी डट गए। सूबाई हुकूमतों का फाटा के लिए अपना हिस्सा देने से इनकार। फाटा के फंड्स के लिए विफाक खुद कोई तरीका तलाश करे। सूबाई हुकूमतों ने विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को बता दिया। बजट से कबल NFC अवार्ड तश्कील नहीं पाएगा। सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो का विफाक से फंड न मिलने की बात सियासी एतराज है। किसी सूबे की जानिब से कोई ठोस एतराजात नहीं आए। वजीर खजाना की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगु, बोले NFC अवार्ड की तश्कील IMF से मुजाकरात से मशरूत नहीं। सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का खजाना खाली है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी है। सफाई कंपनी भी मुतहरक, शहर को चमकाने का काम तेज। यौम सफाई पर अमले ने लक्ष्मी चौक, फूड स्ट्रीट समेत कई इलाकों को चमका दिया। MD LWMC का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। शहर में 13,000 टन से जायद कूड़ा उठाने का दावा। आवामी शिकायात को फौरी हल करने का आज़्म। पाकिस्तान में तिबी सहूलियात का शदीद फुकदान है। अस्पतालों में डॉक्टर्स का मरीज ज्यादा है। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए बहुत काम करने की जरूरत। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की शदीद कमी है। आवाम को रिलीफ देने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तकरीब से खिताब। सरकारी अस्पतालों में जाली डॉक्टर्स का इंकशाफ, महकमा सेहत ने खबरदार कर दिया। जाली डॉक्टर गाउन पहनकर स्टेथोस्कोप लगाकर फिरते हैं, मरीजों को निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर करते हैं। महकमा सेहत प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए कार्ड पहनना लाजिम करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार शमीम खान का बड़ा फैसला। करोड़ों अरबों रुपए से मुतालिक टैक्स केसेस 2 माह में निपटाने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक ने भारी रकम वाले केसेस के फैसले न होने पर तशवीश का इजहार किया था। टैक्स केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत के अहकाम जारी। इमरान खान मर्द कलंदर हैं। उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी नहीं की। वज़ीर आज़म ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। पहले नारे होते थे, अब काम होगा। तनख्वाहों और मराहत का बिल वज़ीर आज़म ने पसंद नहीं किया। वज़ीर इत्तला शमसान बुखारी की क्लाक सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। कसीरुल मंजिला इमारतों में आग बुझाने के आलात चेक करने का मामला। DGLDA आमना इमरान खान का गुलबर्ग में मुख्तलिफ कसीरुल मंजिला इमारतों का दौरा। वासा और टीपा की टीमें भी हमरा। जिनवा मॉल, निशात होटल और अलफतेह स्टोर में हाइड्रेंट सिस्टम की चेकिंग। फायर हाइड्रेंट का अमली मुजाहरा किया गया। पानी के प्रेशर का भी जायजा। आमना इमरान की 7 रोज में कसीरुल मंजिला इमारतों में इंतजाम को बेहतर बनाने की हिदायत। जब तक निसाब बेहतर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। 3 तालीमी सिस्टम के बायस हम एक कौम नहीं बन पा रहे। अगर एक कौम बनना है तो हमें कौमी करिकुलम बनाना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तकरीब से खिताब।
वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं कहते हैं जामियात की रैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, ऐसा तरीका अपनाना होगा ज्यादा लोग ग्रेजुएट हों। दूध में मिलावट, सेहतमंद पंजाब के हुसूल में रुकावट, डेयरी सेफ्टी टीमों की शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, शहर समेत सुबह भर में 6,361 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा की 63 गाड़ियां गैर रजिस्टर निकली, डायरेक्टर वर्कशॉप के मुताबिक 124 गाड़ियों में से 63 के कागजात ही मौजूद नहीं। बल्दिया उज़्मा ने गैर रजिस्टर्ड और 18 गाड़ियों को नीलाम करने का फैसला कर लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज समनाबाद में साइंसी मेला, तालिबात की जानिब से तैयार करदा मॉडल्स की नुमाइश, जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई मसनुआ, तालिबा की कमाल महारत कम बोल तस्वर। ताजपुरा स्कीम में जश्न मिलाद अली की मुनासबत से शाम कलंदर का एहतमाम, महफिल शाम कलंदर में कवाल आबिद महर अली, साईं खावर अली, शाहिद अली, रिदा शाह समेत हाजी नजर अब्बास हाशमी, शाह तरगाम अब्बास हाशमी और दीगर की शिरकत। हजरत मादूल आल हुसैन के 431वें सालाना उर्स की तैयारियां, दरबार और मुल्हिका इमारतों की तजीनों और आयश खुशनुमा लाइटिंग से सजा दिया गया, उर्स की तकरीबात का आगाज आज से होगा, अकीदतमंदों की दरबार पर आमद का सिलसिला जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में हजरत मादूल आल हुसैन के उर्स की मुनासबत से तकरीब, लोक फनकारों की मादूल आल हुसैन के कलाम पर शानदार परफॉर्मेंस। और जीलानी पार्क फूलों से महक उठा, खुश रंग के फूल बहार की आमद का पता बताने लगे, हर सूर सुर्ख सफेद और नीले पीले फूलों की चमक दमक, शहरी जौक दर जौक फूलों की नुमाइश देखने के लिए आने लगे।